एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन सीरीज फॉर सीएसआईआर नेट नवंबर 2020. दिस इज क्वेश्चन 28 फ्रॉम पार्ट बी. क्वेश्चन में बोला गया है लेट ए एंड बी बी टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. हमें बात की रही है डिटर्मिनेंट चेक करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर है. ओके, तो 20 मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2 है, तो बेटर है कि हम क्या ले लेते हैं, कोई आर्बिट्रेरी ए मैट्रिक्स ले रहे हैं और आर्बिट्रेरी बी मैट्रिक्स ले रहे हैं. तो ए लेट से हमने लिया ए बी सी एंड डी, बी टू लेट से ले लेते हैं पी क्यू आर एस. अब यहां से देखते हैं ए प्लस बी कितना आएगा. ए प्लस बी जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर एंड डी प्लस एस. देन ए माइनस बी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए माइनस बी, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर एंड डी माइनस एस. अब आपको चारों डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, बीटा कितना है, ए प्लस बीटा कितना है एंड ए माइनस बीटा कितना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, ए डी माइनस बी सी. देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा वो कितना होगा, पी एस माइनस क्यू आर. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी हमें देखना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी क्या आ रहा है, ए प्लस पी इंटू डी प्लस एस माइनस बी प्लस क्यू इंटू सी प्लस आर. इसको ओपन करते हैं तो आपके पास आ रहा है, इसको एक बार के लिए एज इट इज रहने देते हैं, बाद में ओपन करेंगे. पहले हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी निकाल रहे हैं. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी कितना आएगा, ए माइनस पी इंटू डी माइनस एस माइनस बी माइनस क्यू इंटू सी माइनस आर. तो अब आपके पास ये जो दोनों चीजें आ रही है, इसको ओपन करेंगे तो आएगा ए डी प्लस ए एस प्लस पी डी प्लस पी एस माइनस बी क्यू बी सी प्लस बी आर प्लस क्यू सी प्लस क्यू आर. और यहाँ पे क्या आएगा, ए डी प्लस पी एस माइनस ए एस माइनस पी एस देन माइनस बी सी प्लस क्यू आर माइनस बी आर माइनस क्यू सी. ओके, अब आपको इनको ऐड करना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, इन दोनों को ऐड करना है. तो फर्स्ट ये ए डी, ए डी जो है वो दो बार आ रहा है तो आपके पास ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी. देन पी एस, पी एस जो है वो भी दो बार आ रहा है तो ये पी एस हो जाएगा. देन ए एस, ए एस से कैंसिल हो रहा है एंड पी एस जो है वो पी एस से, यहाँ पे गलत लिखे एकदम, पी एस जो आ रहा है वो प्लस आ रहा है, देन ए एस, देन माइनस पी डी है ये. तो पी डी जो है वो पी डी से कैंसिल हो रहा है, इट मीन्स दैट ये आपके पास कैंसिल हो जाएगी. देन यहाँ पे देखते हैं, ये माइनस है, बी सी ट्वाइस आ रहा है तो आपके पास टू बी सी हो जाएगा. देन बी आर, बी आर से कैंसिल हो रहा है, क्यू सी, क्यू सी से कैंसिल हो रहा है एंड क्यू आर जो है वो ऐड हो रहा है तो यहाँ पे आ रहा है प्लस क्यू आर. इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ ए डी माइनस बी सी प्लस ट्वाइस ऑफ पी एस माइनस क्यू आर लिख सकते हैं. ए डी माइनस बी सी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो ये आपके पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ पी एस माइनस क्यू आर क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, तो ये आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो हमारे पास क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी जो है वो इसके बराबर आ रहा है ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो इट मीन्स दैट जो ऑप्शन सी है वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे सही हो रहा है.
एंड ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। काउंटर के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ऐसा बी मैट्रिक्स चूज कर सकते हो जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। तो डेफिनेटली ये नंबर जो है वो इस नंबर के बराबर नहीं हो सकता। इसके लिए काउंटर क्या हो सकता है, ए कोई भी मैट्रिक्स चूज करो जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, एंड बी एक मैट्रिक्स चूज कर लो जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, जीरो है। तो आपके पास यहाँ पे काउंटर मिल जाएगा। तो इट मीन्स दैट ए एंड बी गलत है, सी सही है। अब आपको डी भी चेक करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी सिंगल करेक्ट था, इट मीन्स दैट ऑप्शन सी सही हो रहा है एंड ऑप्शन डी गलत ही होने वाला है। बट इसका प्रूफ हम देख रहे हैं कि ये गलत कैसे है। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी निकालना पड़ेगा एक बार के लिए यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी, तो हमें इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये इससे कैंसिल हो रहे हैं, देन पी एस वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी और आपके पास क्या आ जाएगा, ए एस ए एस ऐड होंगे। तो ये ट्वाइस ऑफ ए एस आएगा प्लस पी डी आएगा, यहाँ पे ऐसा आया। देन माइनस यहाँ पे बी सी से कैंसिल हो जाएगा एंड दूसरी टर्म कौन से कैंसिल होगी, क्यू आर से कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे बी आर जो है वो दो बार ऐड होने वाला है, माइनस बी आर माइनस बी आर माइनस टू बी आर आएगा। तो ये माइनस टू ऑफ बी आर प्लस बी सी यहाँ पे कैंसिल हो रही है, बी आर ऐड हो रहे हैं, देन क्यू सी भी ऐड हो रहा, तो यहाँ पे क्यू सी आर है अब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कहीं पे भी आपको इसको हम ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई टर्म्स नहीं आ रही, ए डी बी सी देन पी एस देन क्यू आर, इसमें ये टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है। ओके okay. और इसके लिए काउंटर आप किस तरह से सोच सकते हो, देन अब कि ए तो आपने क्या ले लिया, ए तो लेट से हम लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 एंड बी तो लेट से आप ले लो जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। तो इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा, ए ही होगा, ए माइनस बी भी क्या होगा, ए ही होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास इस केस में जीरो आ रही है, राइट हैंड साइड देखेंगे ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज वन, तो इट मीन्स दैट ये क्या आ रहा है, टू माइनस टू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज जीरो, तो ये जीरो आ रहा है। तो राइट हैंड साइड क्या आ रही है, टू आ रही है, बट लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इट मीन्स दैट ऑप्शन डी जो हुआ वो आपके पास क्या आ जा रहा है, गलत आ जा रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन जो हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन सी।